तो आज हम पढ़ेंगे कार्गोलाइनर्स के बारे में। कार्गोलाइनर्स आर वेसल्स डिजाइन टू कैरी अ वैरायटी ऑफ कार्गोस बिटवीन द स्पेसिफिक पोर्ट्स। तो जो हमारे ये कार्गोलाइनर्स के जो ये शिप्स होते हैं, ये स्पेसिफिक पोर्ट्स में ही जाते हैं, यानी इसके जो पोर्ट्स होते हैं ये फिक्स पोर्ट्स होते हैं। इट इज यूजुअल इन दिस शिप्स टू कैरी अ कार्गो ऑफ अ जनरल नेचर दैट इज एन एक्युमुलेशन ऑफ स्मॉलर लोड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ऑल्दो मेनी हैव रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट्स कैपेबल ऑफ कैरिंग पेरिशेबल कार्गोस सच एज मीट, फ्रूट फ्रूट एंड फिश। तो जो ये कार्गो होते हैं, ये इनका जो लोड होता है कम स्मॉलर लोड से ज्यादा लोड तक भी होता है, पर ज्यादा करके स्मॉलर लोड ही होते हैं, लोड ही होता है ये शिप में। और इसमें ये शिप्स में रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट्स भी होते हैं, जिसमें हम मीट फ्रूट और फिश को रखा जाता है। तो दिस वेसल्स आर टर्म्ड रीफर्स। अरेंजमेंट्स आर ऑफ्टन मेड टू कैरी अप टू 12 पैसेंजर्स। तो इसमें ऐसी अरेंजमेंट्स की होती है जिसमें हाँ ये इसमें 12 पैसेंजर्स के ऊपर भी जा सकते हैं। दिस शिप्स आर डिजाइन टू रन एट स्पीड ऑफ बिटवीन 15 नॉट्स एंड 20 नॉट्स। तो ये जो शिप्स है ये ऐसे डिजाइन की गई होती है, इसमें इनकी जो स्पीड होती है शिप की, ये 15 नॉट्स से 20 नॉट्स के बीच में होती है। फिगर 1.1 शोज द लेआउट ऑफ मॉडर्न टू डेक कार्गो लाइनर्स। एट एक्सट्रीम फोर एंड इज अ टैंक नोन एज अ फोर पिक विच मे बी यूज टू कैरी वाटर बलास्ट और फ्रेश वाटर। जो ये फोर पिक टैंक है जिसमें हम एक तो वाटर बलास्ट लेके जाते हैं या फिर फ्रेश वाटर जो उसमें स्टोर करते हैं। अबो दिस टैंक इज अ चेन लॉकर एंड स्टोर स्पेस। ये टैंक के ऊपर जो है ये आप देख रहे होगी, ये चेन लॉकर है और स्टोर स्पेस भी है। चेन लॉकर जो होता है, ये जो एंकर की जो चेन होती है वो स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो स्टोर स्पेस है, ये जो कंपार्टमेंट होता है इसमें जो हमारे डेक में लगने वाले जो चीजें हैं वो सब यूज किए जाते हैं, वहां पे स्टोर किए जाते हैं। एट द आफ्टर एंड इज अ टैंक नोन एज द आफ्टर पीक इंक्लोजिंग द स्टेम ट्यूब इन अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। और जो हमारा ये टैंक है आफ्ट पीक, ये इसमें से स्टेम ट्यूब जो है या आफ्ट पीक में से स्टेम ट्यूब जो है ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट से गुजरता है। बिटवीन द पीक बल्कहेड्स इज अ कंटिन्यूस टैंक टॉप फॉर्मिंग अ डबल बॉटम स्पेस विच इज सब डिवाइडेड इंटू टैंक सुटेबल फॉर कैरिंग ऑयल फ्रेश वाटर एंड बलास्ट। तो जो हमारे पीक बल्कहेड, जो हमारा कंटिन्यूस जो टैंक है, जो हमारे डबल बॉटम स्पेस है, राइट, डबल बॉटम स्पेस ये डिवाइडेड होते हैं दो भागों में, जिसमें हम ऑयल जो फ्यूल ऑयल है वो स्टोर करते हैं या फिर फ्रेश वाटर या फिर वाटर बलास्ट ये जो है हम स्टोर करते हैं। जो हमारा साइड वाले जो टैंक है ना, उसके अंदर हम फ्रेश वाटर या वाटर बलास्ट या फिर फ्यूल स्टोर करते हैं। द मस्टरी स्पेस इज शोन आफ्ट ऑफ मिडशिप्स प्रेजेंटिंग एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्गो स्पेसेस। तो जो इसका मशीनरी स्पेस है ये आफ्ट में होता है। दिस इज अ मॉडर्न अरेंजमेंट एंड स्लाइटली अनयूजुअल बट हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। तो जो मशीनरी स्पेस ये पीछे होता है, तो इससे हमें ये फायदा होता है कि जो ये जो बेंडिंग मूवमेंट है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है, ये रिड्यूस होता है ये शिप में। अ मोर यूजुअल डिजाइन इन एग्जिस्टिंग शिप्स हैज द मशीनरी स्पेस नियर मिड शिप्स विथ 3 होल्स फॉरवर्ड एंड 2 aft, सिमिलर टू द अरेंजमेंट्स इन फिगर 1.2। तो बहुत सारे जहाजों में, शिप्स में
ऐसे होता है कि मशीनरी स्पेस जो होता है ये बीच में होता है, और आगे जो थ्री होल्स होते हैं और पीछे मशीनरी स्पेस के पीछे दो होल्स होते हैं, ऐसे भी शिप्स होते हैं। द ऑयल बंकर एंड द सेटलिंग टैंक्स आर अरेंज्ड एडजेसेंट टू और एट द साइड ऑफ द मशीनरी स्पेस। जो हमारा मशीनरी स्पेस है उसके साइड में हम ऑयल फ्यूल जो होता है फ्यूल और सेटलिंग टैंक्स जो है मशीनरी स्पेस में एडजेसेंट में ही ये टैंक्स होते हैं। जैसे कि हमारे इंजन रूम है उसके साइड में ही हमारे ऑयल टैंक्स हो गए, ठीक है, जो ऑयल स्टोर करने के लिए बंकरिंग बंकर वाले जो ऑयल ऑयल है बंकरिंग का ऑयल स्टोर किया होता है, और सेटलिंग टैंक्स भी उसके एडजेसेंट में ही होता है, राइट। फ्रॉम द आफ्टर इंजन रूम बल्क हेड टू द आफ्टर पीक बल्क हेड इज अ वॉटर टाइट शाफ्ट टर्न इनक्लोजिंग द शाफ्ट एंड अलाउिंग एसेस टू द शाफ्ट एंड बेयरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंजिन रूम। तो जो इंजिन रूम से एक जो टनल है, ठीक है, ये जो होल्ड से जैसे कि हम यहां से देख रहे हैं पीक बल्कहेड से, फ्रॉम द आफ्टर इंजिन रूम बल्कहेड टू द आफ्ट पीक बल्कहेड इज अ वॉटर टाइट शाफ्ट टनल इनक्लोजिंग द शाफ्ट एंड अलाउिंग एसेस टू द शाफ्ट एंड बेयरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंजिन रूम। तो ये पीक बल्कहेड के में से हमारा जो इंजन रूम से जो शाफ्ट गुजरता है प्रोपेलर का जो शाफ्ट है, ठीक है, इंजन रूम से प्रोपेलर तक ये उसी टनल से गुजरता है ये पीक बल्कहेड से, एंड एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्टिकल ट्रंक इज अरेंज्ड एट द आफ्टर एंड ऑफ द टनल इन केस ऑफ इमरजेंसी। एंड एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल ट्रंक इज अरेंज्ड एट द आफ्टर एंड ऑफ द टनल इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये जो टनल है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट के लिए भी एक टनल जो होता है जो कि डायरेक्टली डेक पे जाता है, वर्टिकल ट्रंक जिसे हम कहते हैं, ये वर्टिकल ट्रंक से हम गुजरते हैं ऊपर की तरफ इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कि कोई आग लगती है शिप में या कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत ही हम ये वर्टिकल ट्रंक से एग्जिट कर सकते हैं डेक की तरफ। इन अ ट्विन स्क्रू शिप इट इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट टू सच टनल्स ऑल्दो दे मे बी जॉइंट टुगेदर एट द फोर एंड आफ्टर एंड्स। तो इन्होंने कैसे कहा है कि ट्विन स्क्रू शिप में ऐसे टनल्स दो टनल्स होने चाहिए, कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए। बहुत जरूरी है कि ट्विन स्क्रू शिप में जो टनल्स है वो दो होने चाहिए। द कार्गो स्पेस इज डिवाइडेड इंटू लोअर होल्स एंड कंपार्टमेंट्स बिटवीन द डेक्स और ट्विन डेक्स। तो जो हमारा जो कार्गो स्पेस है इस डिवाइडेड इंटू लोअर होल्स एंड कंपार्टमेंट्स बिटवीन द डेक्स और ट्विन डेक्स। तो जो हमारा कार्गो स्पेस है ये डिवाइड होता है, लोअर होल्स भी उसमें होते हैं और कंपार्टमेंट्स भी होते हैं डेक्स के बीच में, और ट्विन डेक्स भी होते हैं या ट्विन डेक्स उसे कहा जाता है। मेनी शिप्स हैव थ्री डेक्स थस फॉर्मिंग अपर एंड लोअर ट्विन डेक्स। दिस सिस्टम्स अलाउज डिफरेंट कार्गोस टू बी कैरिड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रशिंग द कार्गो। तो जो ये जो जो सिस्टम है डेक्स की, राइट, तो मैं वापिस एक बार ये पढ़ता हूँ। दिस सिस्टम अलाउज डिफरेंट कार्गोस टू बी कैरिड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रशिंग द कार्गो। इसका मतलब ऐसे है कि ये जो कार्गोज है ये हर एक कंपार्टमेंट में रखे जाते हैं ताकि इनका जो डैमेज होने की कार्गो की सिचुएशन कम हो सके, ताकि ये एक मिक्स से क्रश ना हो कार्गो। एसेस टू द कार्गो कंपार्टमेंट्स इज प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ लार्ज हैचवेज विच मे बी क्लोज्ड आइदर बाय वुड्स बोर्ड्स और बाय स्टील कवर्स, द लेटर बींग मोस्ट पॉपुलर इन मॉडर्न शिप्स। तो हमारे जो हैचेस है वो खोलने के बाद ही वहां से ही हमारा जो कार्गो का है एसेस होता है, राइट, वहां से हम
हैच कवर खोल के कार्गो भरते हैं शिप में। सुटेबल कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ आइदर डेरिक्स और क्रेन्स। तो जो इसके ऊपर जो है कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट भी होता है, जो कि डेरिक्स और क्रेन्स ये यूजफुल होते हैं, ठीक है। हैवी लिफ्ट इक्विपमेंट इज यूजुअली फिटेड इन द वे ऑफ वन हैच। अ फोरकैस्टल इज फिटेड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर शिप फॉरवर्ड एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट वर्किंग स्पेस फॉर हैंडलिंग रोप्स एंड केबल्स। तो फोरकैस्टल डेक जो होता है, यहाँ पे हमारे हैंडलिंग रोप्स और केबल्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे विंचेस वगैरह होते हैं, राइट, एंकर होता है, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा है कि कार्गो लाइनर्स के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।